राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की घटिया राजनीति करने का असफल प्रयास कर रही है। भावनाओं को आहत कराने वाले बयान दिलाने का काम किया जा रहा है। एक नवेले नेता जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वह बयान दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का उन्हीं के पक्ष में बयान दे डाला और अखिलेश यादव को चुप रहना इस बात को बताता है कि प्रयागराज 2019 में डुबकी लगाने गए अखिलेश यादव खुद को रामभक्त बताते हैं लेकिन स्वामी के बयान पर चुप हैं। ये तो भावनाओं को आहत करने वाला है। अभी मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजी के लिए उत्तर प्रदेश में या देश में कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार के बयान की आलोचना करते हुए जिन दलों के नेताओं के द्वारा इस प्रकार का बयान देश दिया जा रहा है उन दलों के जो मुखिया है उनके द्वारा इस विषय पर अपनी बात स्पष्ट तौर से सामने रखना चाहिए कि उस बयान के समर्थन में जनता के सामने देश की जनता के सामने कि इस बयान का वो विरोध करते हैं समर्थन करते हैं। वो चाचा के या अपने किसी नेता के माध्यम से बयानबाजी कराना बंद करके वो स्वयं उत्तर प्रदेश की जनता को सामने आकर के बताएं कि इस बयान के बारे में उनका क्या कहना।